हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। सो आज है गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब एंड एज यूजुअल आई एम गोइंग टू जिम एंड आज हम करेंगे शोल्डर्स एंड बाइसेप। एंड आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं चीट मील भी लूँ एंड आप लोगों को एक रेसिपी भी दूँ जो कि मैंने बहुत पहले ही शूट करी हुई है, धनिया चिकन ऑयल फ्री की रेसिपी। सो चले पहले जिम चलते हैं एंड आराधना इज वेटिंग फॉर मी सिंस आई थिंक 30-40 मिनट से। सो आज मैंने उन्हीं के साथ करना है वर्कआउट, सो लेट्स गो देन। सो हमने जिम आते ही अब वर्कआउट शुरू कर दिया है। आराधना हूँ पार्टनर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर मी सिंस 40 मिनट्स, दैट्स व्हाई आई लव हर। सो बिना किसी भकलोली के करते हैं वर्कआउट को शुरू, लेट्स हिट इट। So guys, finally we are done with our workout. 42 sets हमने करे हैं shoulder and biceps के total. And ये workout आराधना बताइए आपको कैसा लगा हमारे साथ करने का? मजा आया? Get fit by Sahib के साथ. So guys, आराधना will not do cardio now, but I'm gonna do cardio 40 minutes at least because today is my cheat meal day. So we'll see you at. सो कहीं आप लोगों को लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा था कि 40 मिनट कार्डियो में करूँगा, तो मैं रियलिटी में 40 मिनट ही करा है मैंने, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कार्डियो नहीं करा था, सीधा मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया था। सो इट्स टाइम टू गो होम। सो एवरी मॉर्निंग मेरा ऑलमोस्ट यही रूटीन रहता है आफ्टर शावर कि मैं बाबा जी के रूम में आके मत्था टेकूँ।
सो मैं जिम से तो मैं पहले आके आई टुक अ शावर बिकॉज टुडे आई एम टेकिंग चीट मील. तो मुझे भूख बहुत लगी हुई थी तो मैंने कहा कि पहले मैं शावर ले लूँ. सो अब मैं आया हूँ बाबा जी के रूम में अपनी आपको ब्लेस्ड फील करने बेसिकली इतनी अच्छी लाइफ के लिए बाबा जी ने दी है जो. सो आप लोग भी अपनी ऐसी रूटीन बनाओ, ब्लेस फील करो, वाहेगुरु जी का नाम लो या जो भी आप जिन भी बाबा जी को मानते हो. सो अब हम सीधा मिलते हैं खाने के टाइम पे. सो अपनी चीट मील लेने से पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को धनिया चिकन की रेसिपी. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने पहले ही शूट करी हुई थी उसकी वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी को. सो टाइम आ गया है आप लोगों को इस चिकन की रेसिपी देने का. ये मैरिनेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या डाला है. इसके अंदर डाला है सॉल्ट और गरम मसाला एंड ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर ऑलरेडी डाल के अंदर रख दिया हुआ है. एंड इसके अंदर साथ में दही डाला है. फिर उसके बाद आधा नींबू, उसके साथ हमने जिंजर गार्लिक और साथ में धनिया पत्ते को एक ही मिक्सी में घुमाया एंड इसके अंदर डाल दिया. इसको मिक्स कर दिया. फिर मैंने अपने अकॉर्डिंगली 5 पीस लिए हैं, 3 लेग एंड 2 थाई. आप जौन सा मर्जी, आप होल चिकन भी ले सकते हो बट ये 3 लेग और 2 थाई हैं. फिर हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे. सो अभी तो बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4, लेकिन इसको आप ऑलमोस्ट 1 घंटा तो मैरिनेट करो ही करो. लेकिन अगर आपने रात को खाना है, जैसे मैंने ये रात को खाना है, तो मैं इसको 3-4 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रख रहा हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला घुस जाए. तो आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंगली डालोगे, उसके अंदर कोई वो नहीं है कि कोई ज्यादा या कोई कम. अब जब ये मैरिनेट प्रॉपरली हो जाएगा, जब ये रात को उसका कुकिंग टाइम होएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सो ये चिकन हो चुका है रेडी. इसको हमने 30 मिनट्स ओटीजी में करा है. अब फर्दर जो हम करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ. सो हमने पैन लिया है. पैन पे थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल को लगा लेना किसी ब्रश से. फिर आप राही डालना, कुछ ऐसी दिखती है ये. एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा आप होने देना. साथ में उसके साथ ये है कड़ी पत्ता. सो जब 2 मिनट आप राही और कड़ी पत्ते को कर लो, उसके बाद आप डाल दो चिकन. अभी थोड़ा सा फ्लेवर लेगा. अभी विदाउट ऑयल बनाया है. वैसे इसकी जो रेसिपी है उसमें थोड़ा सा ऑयल डलता है, लेकिन मैंने इसको विदाउट ऑयल इसलिए बनाया है क्योंकि कैलरीज मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं. तो ये थी आज के चिकन की रेसिपी. नाउ एंजॉय योर फूड एंड लेट मी एंजॉय माइन. सो आज मैं चीट मील में अपने खा रहा हूँ होल व्हीट पिज्ज़ा चिकन टिक्का. ये ऑलरेडी देखो बन चुका है और ये हो रहा है. इसके साथ मैं खाऊंगा डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड जो कि ऑलरेडी आ चुकी हुई है. सो ये देखो, ये हो रहा है मेरा पिज्ज़ा कुक एंड ये रही मेरी गार्लिक ब्रेड. एंड आई विल ईट आइसक्रीम ऑल्सो आज, वो भी दिखाएंगे आपको. सो आफ्टर हैविंग पिज्ज़ा गार्लिक ब्रेड, नाउ टाइम टू हैव नेचुरल्स की आइसक्रीम. सो लेट्स गो. सो नाउ इट इज़ टाइम टू एंजॉय माई आइसक्रीम. सो सी यू गाइस लेटर. टाइम टू हैव वन मोर स्कूप. Not one more, 2 more. Thank you, sir. Thank you. So guys, आज के व्लॉग को यहीं करते हैं एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं करा हुआ. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अब टेक केयर. बाय बाय.